सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई। इसमें ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि बैठक में सांसदों से जुड़ा एक अहम फैसला किया गया है। MP-led स्कीम 2020-2021 के पैसों का इस्तेमाल कोविड से लड़ने के लिए किया गया था। अब MP-led स्कीम फिर से शुरू हो जाएगी, फिर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मियों को हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर भांडियावास गांव में बुधवार को बस और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। संस्कार स्कूल के पास हुई आमने सामने की टक्कर के बाद बस और ट्रेलर में आग लग गई। आग में 11 लोग जिंदा जल गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस की जांच कर रही NCB ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को उनके अकाउंट डीफ्रीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट के तहत रिया और अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने अपने मैकबुक प्रो और आईफोन जैसे गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को आंदोलन का एक साल पूरा होने पर दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी सभाएं करेगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर हर दिन 500 ट्रैक्टर से किसान संसद तक मार्च निकालेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार को ही बैठक में आगे के कार्यक्रम तय किए गए। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। नए केस में भी 10 से 20,000 के आसपास ही आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 12,331 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 12,816 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 480 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25 करोड़ 15 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते 40 दिन में सोने की कीमत 5.6% बढ़कर 3 महीनों की ऊंचाई पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में मंगलवार को सोना 0.07% तेजी के साथ $1,825 प्रति आउंस बिका। 6 सितंबर को ये $1,828.10 के स्तर पर था। इसके बाद 30 सितंबर तक ये $1,728.92 तक नीचे आ गया था। हफ्ते के तीसरे दिन आज शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 80 पॉइंट गिरकर 60,352 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27 अंक गिरकर 27,080 पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक का शेयर 3.21% टूट कर बंद हुआ। पिछले हफ्ते ये शेयर एक दिन में ही 10% टूट गया था।